राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से बीते कुछ दिन पहले सिपाही प्रदीप का सर्विस पिस्टल उसके ही घर से चोरी हो गया था, जिसको लेकर पटना एसएसपी ने आज उभेदन कर दिया है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने मामले का उभेदन करते हुए बताया कि जक्कनपुर थाना में एक कांस्टेबल के द्वारा सरकारी पिस्टल चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक उभेदन कर लिया गया है। जी हाँ, इस मामले में एक महिला बैंक कर्मी ने अपने प्रेमी को एक काफी पैसे वाले व्यक्ति के बारे में बताया था, जहां उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस व्यक्ति के यहां चोरी का प्लान रचा। पर गलतफहमी में बीते 31 मई को ट्रेजरी में तैनात कांस्टेबल प्रदीप के घर में घुसकर उसका सर्विस पिस्टल चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान में एक महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी हुई सरकारी पिस्टल और इनके द्वारा चोरी करने के दौरान 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक पुलिस कांस्टेबल की पिस्टल चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। जो सरकारी पिस्टल थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो अपराधी थे उन्होंने जिन 2 देसी कट्टे का इस्तेमाल किया था अपराध में, उसको भी बरामद किया गया और इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। घटना के उद्भेदन के बाद जो जानकारी आई है वो ये आई है कि इसमें एक महिला थी जो बैंक में काम करती थी। उसको जो एक अभियुक्त जिसके विषय में शुरू में बात आई थी कि उस व्यक्ति को खोजते हुए ये लोग वहाँ गए थे, तो उस व्यक्ति द्वारा इस महिला को कई बार ये बताया गया था कि हमारे पास काफ़ी पैसा है और हम आपको पैसा देंगे। उसी क्रम में उस महिला ने ये बात अपने एक मित्र के साथ शेयर की थी और उस मित्र ने अन्य अपराध कर्मियों को इकट्ठा करके ये घटना उस व्यक्ति को लूटने के लिए भेजा था घटना स्थल पर, लेकिन गलत पते पर चले जाने के कारण जो सिपाही है उसकी पिस्टल ये लोग लेकर चले गए थे। तो घटना के अनुसंधान के क्रम में पिस्टल बरामद कर ली गई है, गोलियां बरामद कर ली गई हैं और जो घटना में प्रयुक्त हथियार थे वो हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इस 8 में से 6 व्यक्तियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। एक व्यक्ति मुकेश कुमार है, उसके विरुद्ध 4 केस पहले से हैं। एक सन्नी कुमार है, उसके विरुद्ध 2 केस हैं। बच्चन पटेल और बच्चन हैं, इसके अगेंस्ट 1 केस है। रमेश कुमार के विरुद्ध 1 केस है। रणधीर कुमार के विरुद्ध 3 केस है और उन्ना कुमार हैं, उनके विरुद्ध 4 केस हैं। इस प्रकार से इस कांड का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया गया और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तारी सब अभियुक्तों की अलग अलग स्थान से हुई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी जो है पहले उसके घर मेहंदीगंज से हुई थी, उसके बाद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अलग अलग समय में अलग अलग जगहों से हुई। महिला की क्या बैकग्राउंड है? महिला का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसने जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जिस व्यक्ति ने इसको इम्प्लॉय किया था उस व्यक्ति के पास काफ़ी पैसा है, ऐसा वो बार बार कहता है। दूसरा, उसने एक बदले की भावना ये थी कि 15,000 रुपये पे प्रॉमिस किया था लेकिन उसको 9,000 रुपया ही महीना दे रहा था, इसलिए भी वो नाराज़ चल रही थी। उसी ने फिर अपने जो दूसरे लोग थे उनसे ये बात शेयर की थी, उसी में सब ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। कांस्टेबल का क्या है? कांस्टेबल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनके द्वारा कई तरह की लापरवाही इसमें की गई है। उनका ट्रांसफ़र हुआ था जब पहले वो थाना में प्रतिनियुक्त थे स्मॉल आर्म्स के साथ। सभी ऐसे पुलिसकर्मियों को जो पूर्व में छोटे हथियार के साथ प्रतिनियुक्त थे उनको निर्देशित भी किया गया था पुलिस लाइन से जब उनकी ड्यूटी चेंज हुई थी कि बड़े हथियार ले लें, लेकिन उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। फिर जांच के क्रम में ये भी बात आई थी कि वो अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इन सब आरोप में और सरकारी हथियार का लापरवाही पूर्ण तरीके से रखने के आरोप में उनको निलंबित किया गया। ये चीज़ सब आई थी क्या? नहीं, जो प्रारंभिक सूचना है उसमें यही था कि जब ये लोग गए थे और दरवाज़ा जब इन्होंने खुलवाया था तो ये किसी व्यक्ति को खोज रहे थे, रुपेश को, और जब उस पुलिसकर्मी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो इसी बीच में क्योंकि इन लोगों ने हथियार ले रखा था तो वो लोग कमरा छोड़ के चले गए थे और उसके बाद इन लोगों ने तकिए के नीचे ही उसका पिस्टल रखा हुआ था और तकिए के नीचे से ही पिस्टल ले ली है। ये सारा मामला इस तरह से हुआ था।